I'm very, very excited on the 10th birthday of Viacom 18, and the look is this. Very tight. ऐसा लगता है कि मतलब सर तो नहीं कटवाना चाहिए फिल्म बनाने पे. आज मैंने वो पढ़ा तो वो थोड़ा मुझे ज़्यादा लगा. बाकी तो आई थिंक वो समझदार लोग हैं, आई थिंक दिल टेक अ कॉल. पर हाँ मतलब फिल्में इतना लोड नहीं लेना चाहिए. फिल्में हैं, कहानी कह रहे हैं, कहानी सुनाने दो. अगर कहानी पसंद ना आए तो मत देखो. It's annoying. It's really annoying. I mean, to be very honest. जी मतलब मेरा वो मानना है कि उस लिहाज से तो कई सारी हिस्ट्री की किताबें भी हैं जो अलग-अलग हिस्ट्री बता रही हैं. उस पर तो कभी इतना बड़ा धरना नहीं दिया. हालांकि उसको बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और शायद इम्तिहान भी देते हैं और वो सही मान के भी चलते हैं. फिल्मों को तो आप कह सकते हो कि तो फिल्म में शायद उसको इतना सही ना माने, पर किताब तो बड़ा सीरियसली पढ़ते हैं. तो इतना बड़ा धरना थोड़ा गलत है. थैंक यू. First of all, I would want to congratulate Viacom for completing 10 years. So, heartiest congratulations. And I've been fortunate enough that मैं इस बड़ी family का एक हिस्सा रह चुका हूँ. I've always, you know, looked up to this family, and I've had the honor of working with this family, so I really, really wish Viacom to many more successful years like this. And obviously, everybody is excited. Whoever has been a part of this Viacom family, और जो लोग आज तक नहीं भी हिस्सा बने और जिनको हिस्सा बनना है, I think it's a very, very, very proud moment for all of us that Viacom has completed 10 years, and I wish them good luck. See, I've always been a big fan of Bigg Boss. हर साल मैं Bigg Boss देखता हूँ, and I don't catch up with all the episodes honestly, but जितना भी मैं देख पाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ रिकॉर्ड करके देखूँ या VooTap पे जाके देखूँ. And I think this year is phenomenally good. जब से last year से commoners का आना शुरू हुआ है Bigg Boss में, it has become much more interesting. So yes, on the whole it's become much more interesting than the previous seasons. I have no idea. It is very, very tough to say right now. If you ask me. My favorite contestant, I would say one is Vikas. He's playing really well, and the other one would be Ashish. I think he's entertaining quite well. Thank you so much. Okay. Hello. Hello. Sure. आशिका कितनी एक्साइटमेंट है आज साथ पार्टी करने में. वैसे तो हम करते रहते हैं पार्टी, बट हाँ ऐसी वाली पार्टी इतना तैयार होके कभी कभी करते हैं। सो हाँ वैसे टी शर्ट जीन्स में आ जाते हैं। वो दूसरी पार्टी गई है, उसे बुलाया था एक्चुअली। वो घर गई है अपनी फैमिली से मिलने, से दे आर मिसिंग हर। पिछली बार समृद्ध और मेरा ऐसा हुआ था कि मैं थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल पहन के आया था और समृद्ध थोड़ा कैजुअल था। आज मैंने सोचा मैं उल्टा कर देता हूँ, मैं थोड़ा कैजुअल लुक में आया हूँ और ये फॉर्मल लुक। मैंने एक आउटफिट पहना है कल्की से, और मैं पास ही आ जाती हूँ। ये जो आउटफिट है कल्की से है, ग्रीन अनयूजुअल कलर है, अच्छा सा गाउन, एंड वही मेरा पुराना क्लच फेवरेट। और ये हमारी बहन गिफ्ट रैप बनकर आई है। मेरा आउटफिट मैंने फैशन जंक्शन से ऑर्डर किया है। प्रमोशन। सिंपल, स्वीट सिंपल आउटफिट। शी इज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। थैंक यू। बिकॉज़ देखते हो आप कितना एंटरटेनिंग लगता है, कौन है फेवरेट कंटेस्टेंट? मैं देखती हूँ, मुझे हिना खान बहुत पसंद है। आई लाइक हितेन एंड हिना इज एंटरटेनिंग, विकास इज एंटरटेनिंग, आकाश, अर्शी, बहुत सारे एंटरटेनिंग लोग हैं और डे वन से काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में। लेट्स सी कौन जीतता है। मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही हूँ, झूठी अभी तो बोल रही थी सब देखते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गाड़ी में कौन जीतेगा। नहीं, मुझे हितेन पसंद है। जो भी एक आधे एपिसोड्स मैंने देखे मुझे वो बहुत सेंसिबल लगते हैं, सो हितेन। मुझे पता उसमें कौन कौन है बट मैं फॉलो नहीं करता, तो झूठ है, ये भी झूठ बोल रहा है। अब ये तो ना बात करते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू। मुझे बड़ा अच्छा लगा है, आपको सिंपल लग रहा है। थैंक यू सो मच। श्योर थिंग। सॉरी, मुझे भी लगता है कि ये सो कूल लुक है, स्टाइल बाय माय डियर डिज़ाइनर प्राची, एंड इट्स अ साड़ी बाय उमायू, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। इट्स द 10th एनिवर्सरी ऑफ वाईकॉम। मुझे लगता है कभी कभी कुछ सीजन्स होते हैं, तो ये जो सीज़न है प्रॉबली नवंबर 2nd और 3rd वीक इज सीज़न ऑफ कंट्रोवर्सीज़ लग रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ चल रही हैं। तो मुझे लगता है एक कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, जो लोग निदर्शन कर रहे हैं उनके साथ, और कलाकारों के साथ भी, बिकॉज अदरवाइज इट विल गेट इम्पॉसिबल टू मैनेज एनी कंट्रोवर्सी, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट व्हेन वी हियर द कंट्रोवर्सी अबाउट एनी अनरिलीज्ड फिल्म। Good evening. Hi, good evening. Your favorite question? Because it's a party and it's a formal party, so I thought of wearing something formal, and yeah, it's teamed up with a lacy net bustier and my pencil fit pants with a black blazer. All right. To be honest, I do not follow, but yes, updates तो मिलती रहती है। Oh, really? Thank you. I don't know. I think it's a different story. वहाँ पर I personally feel जो मैं 1.5 घंटा बिग बॉस के घर में पर पहले भी रही हूँ और इस बार भी रही थी, it's difficult. It's not that easy. And yes, of course, you extract entertainment out of it, and but on a personal level, I feel it's not that easy. So all the best. I mean, all the contenders, they are doing brilliant for themselves. Well, जब मैं गाड़ी से उतर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा लुक जो है वो कंप्लीट नहीं है एंड आई डोंट नो आई जस्ट फेल्ट लाइक पुटिंग अप माय ग्लासेस. Thank you.